इट्स सच अ रेयर थिंग टू हैपन कि एक फिल्म री रिलीज़ हो रही है, वो भी नया उसका डिजिटल रिस्टोर्ड प्रिंट आ रहा है, फ्रेशनेस होगी. मैं खुद देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ टू सी दिस रिस्टोर्ड प्रिंट. एंड द फैक्ट दैट इट इज़ ब्रॉट ऑल ऑफ अस टुगेदर अगेन. राकेश से तो मैं मिली नहीं, कितने साल हो गए, तो इसी बहाने दो तीन रोज से हम लोग मिल रहे हैं, इनके जोक्स फिर से सर्फिस कर रहे हैं, तो सारा माहौल वापस जो है ना पहला वाला वो मुझे वापस याद आ रहा है. वो तो प्रोड्यूसरान बताएंगे आपको कि कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था और कितना एक्सपेंसिव था. हम तो ये बता सकते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि ये हुआ है और इसकी वजह से फिल्म का जो नेगेटिव है उसको एक बहुत लंबी एक और लीज ऑफ लाइफ मिल गई. 32 साल के बाद दोबारा रिलीज होगी, आज से 32 साल के बाद. सिनेमा का नया दौर है, बड़ा दिलचस्प दौर है. हर तरह का सिनेमा हो रहा है, दिखाया जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं, कुछ कम देख रहे हैं, कुछ ज्यादा देख रहे हैं. दिलचस्प बात है कि 100 साल में पहली बार दो फिल्में जिनकी कहानी लगभग एक होनी चाहिए, जिनका टाइटल भी एक है और एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पर, एक ही स्क्रिप्ट की डिटेल नहीं लेकिन एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पे दो फिल्में एक साथ में रिलीज हो रही हैं, एक जो 32 साल पहले बनी थी, एक जो आज बनी है, और एक ही जगह पे एक ही साथ दिखाई जाएंगी. तो कई मेमोरीज, किसी ने मेमोरीज की बात की, वो मेमोरीज कई ताज़ा हो जाती हैं. तो मेमोरीज तो वहाँ से शुरू करें जहाँ से शोना जी शुरू हुई थी, और शोना जी इस टेबल से भी नीचे थी जब ये फिल्म शुरू हुई. अब जो है देखिए 6 फुट की हो गई हैं और बहुत काबिल डायरेक्टर भी हैं. PLA प्रोडक्शंस को इन्होंने संभाल भी लिया है. सास बहू सेंसेक्स नाम की एक अच्छी फिल्म भी इन्होंने बनाई थी और अब भी कई फिल्में बनाने की धमकी दे रही हैं. लगता है कि चश्मे बदूर, पुरानी चश्मे बदूर वो कहीं गई ही नहीं थी. आप कह रहे हैं 30 इयर्स, तो मतलब अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि वो मैम वी सॉ दिस फिल्म ऑन द टीवी, वो चल रही थी तो ये पोर्शन उसका ये वाला देखा. कहीं लोग देखते चले आ रहे हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बिन देयर और रिपीटेडली शोन ऑन टेलीविजन. समहाउ द अदर दिस फिल्म इज नेवर रियली डाइड आउट कि उसको बहुत पता नहीं कहाँ बाबा आदम के ज़माने से उसको रिवाइव किया जा रहा है, फिर से कहीं से निकाल के दिखाने वाले हैं. ऐसा नहीं है, मुझे नहीं ये लगा कभी भी कि चश्मे बदूर 30 साल में लोगों ने देखी नहीं है और अब शायद वो देखें. हाँ, अब वो फ्रेश प्रिंट देखेंगे. How they lived, how they aspired to, what they aspired to, how they behaved, what was the level of quote unquote the mischief that they used to resort to. आप देखेंगे राकेश साहब का कैरेक्टर और रवि भासवानी साहब मरहूम का कैरेक्टर जो है जगह जगह शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन वो शरारत होती थी जिसको आज हम स्टॉकिंग और वॉयरिज्म और मोलेस्टेशन के नाम से याद करते हैं, वो नहीं होता. मतलब औरतों के साथ जो है मिलना मिलाना जरूर होता था, लड़कों के साथ मिलना मिलाना जरूर होता था, लेकिन एक दूसरे की जान को नहीं आते थे हम लोग. तो ये वैल्यूज भी आपको देखने को मिलेंगी. अब डेविड साहब ने क्या बनाया नहीं बनाया तो मैं जानता नहीं, लेकिन जमाना जिस तरह बदलता है उस तरह फिल्मों की कहानियां और फिल्मों के अंदाज भी बदलते हैं. कंपटीशन तो है ही नहीं ना, कंपटीशन की कोई ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मतलब कि मारा मारी होने वाली और दो लाइनें लगेंगी हर थिएटर के बाहर, ऐसा तो होने वाला नहीं है. लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल चश्मे बदू दैट द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्शन दे यू नो दे आर मेकिंग रीमेक ऑन दिस वन. इट्स अ वेरी गुड थिंग. इन्होंने चश्मे बदू देखी है ये वाली, वो देखेंगे कि जोमो और रोमी जो हैं जब नेहा जी की बातें करते हैं तो कोई ऐसी भद्दी या भोंदी बात नहीं करते. वो अपने फ्लैशबैक्स बताते हैं जो बहुत कायदे के होते हैं, बहुत ह्यूमरस भी होते हैं और इनके दिल को खुश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नेहा जी के दिमाग ख़राब हो जाता हो. सो दैट इज डेफिनेटली अ डिफरेंस दैट कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फिल्म मेकर एंड द फिल्म राइटर डायरेक्टर. आई पर्सनली आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द डायरेक्टर्स फीलिंग के अगर उनकी फिल्म को कोई छूने जा रहा है तो कौन उसका क्या वर्जन बनेगा, तो वो शायद एक डायरेक्टर का ही कंसर्न हो सकता है. बट द फैक्ट दैट डेविड
has wanted to make this film, it's a huge compliment to the maker and the director of the film ki koi aapki film ko फिर से बनाना चाह रहा है अपनी तरह अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चाहे तो वो फ्रीडम तो रहेगी ना किसी की भी अब वो एक अच्छा खूबसूरत फ्रेश जो लुक होगी फिल्म की वो देखेंगे दैट इज द एक्साइटमेंट